हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग लंच रेसिपी लेके आई हूं जो सभी की ऑलमोस्ट फेवरेट होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ढाबा स्टाइल कड़ाई पनीर बनाना क्विक एंड सिंपल इजी मेथड से। और इसमें मैंने विदाउट अनियन एंड गार्लिक के मैंने बनाया है, जो बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप नान, पूरी, पराठा, रोटी किसी से भी खाइए, ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। 2 टेबलस्पून डाला है मैंने पैन में। तेल गरम होने के बाद मैं 200 ग्राम के बराबर अराउंड 200 ग्राम ऑफ पनीर ऐड करेंगे, कॉटेज चीज़। तो ये सॉफ्ट पनीर है, होममेड। अब हम इसे लाइट गोल्डन होने तक सेक लेंगे, ओवर कुक नहीं करना है वरना पनीर हार्ड हो जाता है। अब ये सिक चुका है, अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। अब हम इन्हें साइड रख देते हैं। अब हम इसी ऑयल में गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी और बे लीफ यानी सिनेमन, क्यूमिन सीड, पेपर, कार्डमम एंड बे लीफ। और एसाफोइटिडा डाला है मैंने यानी हींग 1 टीस्पून के बराबर। अब मैंने 1/4 टेबलस्पून के बराबर ग्रेटेड जिंजर ऐड किया है, अदरक ऐड किया है मैंने। अब 2 बड़े टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, फाइन प्यूरे, टोमेटो प्यूरे डालना है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूंगी, चिली पाउडर 1/4 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर भी ऐड करना है हमें, 1/2 टेबलस्पून के बराबर टर्मरिक पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर योगर्ट ऐड करूंगी यानी दही, फ्रेश दही है ये, फ्रेश योगर्ट। अब हम इसे अच्छे से कंटिन्यूस मिक्स करते रहेंगे जब तक ऑयल ना सेपरेट हो जाए। कंटिन्यूस मिक्स इसीलिए करना है ताकि दही हमारा फटे नहीं। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज का कैप्सिकम ऐड करूंगी, क्यूब्स में कटे हुए। 1/2 टेबलस्पून के बराबर मैंने मलाई लिया है, फ्रोजन मलाई है ये, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी, 1 टीस्पून फेनुग्रीक ड्राई लीफ क्रश किया हुआ, मिक्स वेल। अब लिड को मैंने लगा दिया है, अब हम इसे 2 मिनट कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1 टोमेटोज क्यूब्स में कटे हुए डालूंगी। 1 टमाटर को मैंने मोटे टुकड़े में काट लिया है। फ्राई किए हुए कॉटेज चीज यानी पनीर ऐड करना है। 1 टीस्पून पेपर पाउडर क्रश्ड, 1 टीस्पून ऑल स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाला भी ऐड कर लिया है मैंने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें कैश्यू नट ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप ना डालें। अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स वेल। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। एक बार और मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करूंगी। तो आप अपनी अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंसी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने 1/2 कप ऐड किया है वाटर। नाउ मिक्स वेल। अब हम लिड लगा देंगे और 2 मिनट कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। आफ्टर 2 मिनट हम चेक कर लेते हैं। तो 2 से 3 स्लिट ग्रीन चिलीज ऐड किया है मैंने। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब मैं इसमें फाइनली चॉप कोरिएंडर ऐड करूंगी, यानी धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। अगेन मिक्स वेल। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो ये हमारी कड़ाई पनीर बनकर तैयार है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल विदाउट अनियन एंड गार्लिक के, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। प्लस जो बेल है उसे हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।